सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, SCM। इसको आप एक तरीके से समझिए एक चेंज मैनेजमेंट है। चेंज को, जो भी चेंज होने वाले हैं उसको मैनेज करना सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में चेंज मैनेजमेंट हमें आता है। तो पहला लॉ है, देखिए बर्सॉफ ने कहा कि नो मैटर वेयर यू आर इन द सिस्टम लाइफ साइकिल, द सिस्टम विल चेंज एंड द डिजायर टू चेंज इट विल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। किसी भी जगह पे आप हैं चेंज जरूर होगा, चेंज आप रोक नहीं सकते। तो इसकी, इसको मैनेज करना, इसको संभालना, इस यही बेसिकली सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम है। तो जो आउटपुट है सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, वो इंफॉर्मेशन है जिसको तीन भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, चाहे सोर्स हो चाहे एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हो, या आपके वर्क प्रोडक्ट हो सकते हैं जो डिस्क्राइब करेंगे आपके प्रोग्राम को, या डेटा या कॉन्टेंट हो सकते हैं जिसमें जो आपके प्रोग्राम के अंदर निहित होंगे या एक्सटर्नल होंगे। तो जो भी आइटम इसमें आ रहे हैं इन सब को मिला के अगर हम एक नाम देना चाहें जो मैंने अभी बताया, इनको हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ये तीनों मिला के सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क जैसे आगे बढ़ता है तो अलग अलग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स बनते हैं। वो जो नाम, ये नेम एलिमेंट है, SCIs हैं क्या, ये नेम एलिमेंट है इंफॉर्मेशन जो एक स्मॉल यूनिट में आप UML में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर लार्ज यूनिट में देखें तो जैसे डिजाइन डॉक्यूमेंट है इसको भी आप कह सकते हैं कि ये एक हमारा SCI है या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। हर एक SCI दूसरे SCI की तरफ इशारा करता है या उसको रिजल्ट देता है। तो थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा, और भी चीजें आ जाती हैं क्योंकि ये तो एक दूसरे को इशारा कर ही रहे हैं, साथ में आपका चेंज भी है क्योंकि चेंज भी टाइम टू टाइम हो रहा है। तो इसके लिए जो पहला लॉ है सिस्टम इंजीनियरिंग वेयर ने कहा, यहां से लिया गया है, नो मैटर वेयर यू आर इन द सिस्टम लाइफ साइकिल द सिस्टम विल चेंज एंड द डिजायर टू चेंज विल इट विल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। जैसे अभी हमने देखा चेंज होना ही है, चेंज के लिए तैयार रहिए और चेंज को मैनेज करिए, ये मेन इसमें कहा गया है। तो एक SCM सिनेरियो को एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का सिनेरियो क्या होगा। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो इंचार्ज है सॉफ्टवेयर ग्रुप का, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है जो इंचार्ज है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर या पॉलिसीज का, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट या मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, या कस्टमर जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सब सिनेरियो बन सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसमें 15,000 लाइन ऑफ कोड है, 6 लोग बना रहे हैं, ये अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि जो बना रहा है किसके लिए बना रहा है, कौन बना रहा है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन चेंज करेगा, कौन चेंज कर सकता है, ये एक SCM का सिनेरियो है। तो SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए सुज़न डार्ट ने कहा कि कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर उन्होंने बड़ा बेहतरीन लिखा, वाइट पेपर, उन्होंने कहा 4 इंपॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट हैं जो होने चाहिए अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने का एक मन है, तो ये चारों चीजें आपकी होनी चाहिए। लिखेगा कैसे, इसमें कंपोनेंट एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें प्रोसेस एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें ह्यूमन एलिमेंट हो सकते हैं। SCM में ये एलिमेंट आपको अलग अलग मिलेंगे। कंपोनेंट एलिमेंट क्या है, वो टूल है जैसे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में से रिलेट होते हैं, जैसे डेटाबेस है आपका, आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे, मैनेज करेंगे इनको, इस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम को, कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट होंगे। या प्रोसेस आइटम हो सकते हैं, ये वो प्रोसीजर और टास्क है जिससे आपका चेंज मैनेज होगा, जो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट इंजीनियरिंग या उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा। कंस्ट्रक्शन एलिमेंट की बात करें तो वो टूल्स हैं जो ऑटोमेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से आपके सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन को। तो ये ह्यूमन एलिमेंट भी होगा जिसमें, ये तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको इफेक्टिव SCM बनाना है, तो सॉफ्टवेयर टीम जो टूल्स यूज करेगी, प्रोसेस फीचर्स होंगे, वो सारे आपके SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आएंगे। यानी कि एक चेंज, अगर आप इसकी संख्या देना चाहें से चेंज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो वो कहीं भी हो सकता है, चाहे प्रोजेक्ट प्लान हो, टेस्ट हो, कोड हो, डेटा हो, या कोई और डॉक्यूमेंट हो, तो हर एक चीज़ में चेंज हो सकता है। जो चेंज है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट में हो सकता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट में होता है, या यूजर रिक्वायरमेंट में भी हो सकता है, चेंज तो कहीं से भी आ सकता है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जो अलग अलग पार्ट है, जैसे मैंने बताया तीन चीज़ें मिलकर आपके सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को बनाती हैं, प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट से जोड़ दीजिए, डॉक्यूमेंट को डेटा से जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है। और बेस लाइन्स की बात करें तो IEEE ने कहा कि बेस लाइन क्या होते हैं, या स्पेसिफिकेशन या प्रोडक्ट है जो हम फॉर्मली रिव्यू करते हैं, जिसमें हम एग्रीड अपॉन होते हैं, दोनों पार्टी एग्री करती है, और फिर ये आगे के डेवलपमेंट के लिए एक बेस लाइन का काम करते हैं। और ये तभी चेंज हो सकते हैं जब कोई फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर अपनाया जाए, राइट। तो बेस लाइन एक माइलस्टोन होता है डेवलपमेंट के लिए, जो सॉफ्टवेयर है जिसका जो डिलीवरी तक जाता है,
और हर एक कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स का इसमें जो बेसलाइन है उसका अप्रूवल प्रॉपर होना चाहिए किसी न किसी तरीके से फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के थ्रू। ऐसे नहीं कर सकते आप उसको, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसको। बेसलाइन क्या क्या है, आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर आप सिस्टम स्पेसिफिकेशन देखते हैं, फिर आप जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, फिर आप जब डिजाइन मॉडल वगैरह बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, रिव्यू मॉडल वगैरह बनाते हैं तो आप डिजाइन स्पेसिफिकेशन करते हैं, फिर आप डिजाइन को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सोर्स कोड कहते हैं, फिर हम टेस्ट प्लान बनाते हैं, प्रोसीजरल वगैरह डेटा बैलेंस बनाते हैं, डेटा जो यूज करने वाले हैं आप, ये हमारा टेस्ट प्लान होते हैं, फिर ऑपरेशन सिस्टम, ये भी एक तरीके से बेस लाइन है। तो ये सारे जो बेस लाइन आप देख रहे हैं, अगर इनको चेंज करना है, पहले तो ये बेस लाइन समझ लीजिए कि ये एक तरीके से माइल स्टोन है, ये कभी भी चेंज होगी तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। बेस लाइन में अगर आपको चेंज करना है तो आपको फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके चेंज होगा, ऐसे नहीं चेंज हो पाएगा। तो चेंज आप कहीं भी कर सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है, चाहे डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, चाहे वो टेस्ट स्पेसिफिकेशन है, डेटा मॉडल है, कंपोनेंट है या सोर्स कोड है। तो SCM रिपोजिटरी की बात करें, रिपोजिटरी एक तरीके से एक लाइब्रेरी मान लीजिए आप, या रिपोजिटरी मान लीजिए, तो जो SCM रिपोजिटरी है ये कुछ मैकेनिज्म या डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको अलाउ करेंगे कि सॉफ्टवेयर टीम मैनेज कर सके चेंज को एक अच्छे इफेक्टिव मैनर में। SCM रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी क्या क्या, पहली चीज तो उसमें क्या क्या होगा और वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। डेटा इंटीग्रिटी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, टूल इंटीग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन, मेथोडोलॉजी इन्फोर्समेंट, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब होगा। तो रिपोजिटरी कंटेंट में, चाहे वो बिजनेस कंटेंट हो उसमें ये सब चीज़ें होंगी, मॉडल कंटेंट हो, कंस्ट्रक्शन कंटेंट हो, वेरिफिकेशन वैलिडेशन हो, डॉक्यूमेंट हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंटेंट हो, उसमें ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो SCM के अगर फीचर देखें, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर होंगे, तो एक उसमें वर्जनिंग है, एक डिपेंडेंसी ट्रैकिंग और चेंज मैनेजमेंट है, एक रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग है, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है और एक ऑडिट ट्रेस। तो SCM फीचर्स में सबसे पहला वर्जनिंग है। वर्जनिंग का मतलब ये है कि जो भी वर्जन आप बना रहे हैं, अलग अलग रिलीज कर रहे हैं, तो आप अलग अलग वर्जन अवेलेबल हों, जैसे वर्जन 1 है, वर्जन 2 है और आप वर्जन 8 पे पहुंच गए, तो ये वर्जन 1 से लेकर वर्जन 7 तक आपके पास होना चाहिए। ऐसी ही डिपेंडेंसी ट्रैकिंग और चेंज मैनेजमेंट है, यानी जो भी रिलेशनशिप है रिपोजिटरी, जो आपस में चीज़ें रिलेटेड हैं वो सारी की सारी, उनकी डिपेंडेंसी पर होना चाहिए कि एक को चेंज करेंगे तो दूसरे में क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे को चेंज करेंगे तो तीसरे में क्या अंतर पड़ेगा। ऐसे रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग की अगर बात करें तो ये आपको बताता है कि जो भी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट है वो किसी न किसी तरीके से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से को ट्रेस करेगा। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की अगर बात करें, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट तो जो भी प्रोजेक्ट, जो भी माइलस्टोन या अपने प्रोडक्ट्स रिलीज बनाए हैं, तो अलग अलग जो स्टेप है इसमें लिए गए, और वर्जन मैनेजमेंट किस तरीके से वर्जन हम ट्रैक कर रहे हैं, लिंक क्या होगी इनके बीच में, डिपेंडेंसीज क्या होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। फिर ऑडिट, जो जो आपके ऑडिट ट्रायल्स हैं, कौन चेंज कर रहा है, किसने चेंज किया, कब चेंज किया। SCM का जो प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, वो कुछ सवालों के जवाब देता है, जैसे हाउ डज अ सॉफ्टवेयर टीम आइडेंटिफाई द डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के कौन कौन से एलिमेंट है इसको कैसे पता किया जाएगा, अलग अलग वर्जन है कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, और किस तरीके से चेंज को इसमें आराम से और अच्छी तरीके से एकोमोडेट किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करेगा इन चेंज को पहले और बाद में जो सॉफ्टवेयर रिलीज हो गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अप्रूव करने की और रैंक करने के लिए चेंजेस को, ये कैसे हम इंश्योर करेंगे कि चेंजेस प्रॉपरली हुए हैं, और जो चेंज किए गए हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं वो भी देखना है हमें। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम, जो लेयर्स हैं SCM में, सबसे पहले सॉफ्टवेयर का ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, चेंज कंट्रोल हम करते हैं, वर्जन कंट्रोल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है। तो वर्जन कंट्रोल की बात करें तो अलग अलग वर्जन जो बन रहे हैं, वर्जन तो बन नहीं है क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर अलग अलग फंक्शनलिटी डालेगा तो नए नए वर्जन में आएगा वो, तो अलग अलग वर्जन को एक तरीके से मैनेज करना वर्जन कंट्रोल कहते हैं इसमें। तो वर्जन कंट्रोल जो सिस्टम है वो किसी जो चीज़ें कुछ कैपेबिलिटीज आपस में इंटीग्रेट करता है, उसमें कुछ ऐसा है, एक तो प्रोजेक्ट डेटाबेस है जो रिपोजिटरी है, वर्जन मैनेजमेंट है, मेन फैसिलिटी और इशू ट्रैकिंग, जो इशूज थे उसको ठीक किया गया नहीं किया गया, प्रोजेक्ट डेटाबेस रिपोजिटरी, उसमें सारे रिलेवेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं, वर्जन ठीक से मैनेज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, कोई ऐसी मेक फैसिलिटी आपके पास है कि नहीं ताकि आप उन उस कॉन्फ़िगरेशन में जाके उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को बना सकें। तो चेंज कंट्रोल जो रियलिटी है चेंज कंट्रोल की अभी आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, उसको जेम्स बैक ने बड़ा अच्छे शब्दों में बताया कि चेंज कंट्रोल वाइटल है, यानी कि चेंज बट द फोर्सेज दैट मेक इट नेसेसरी आल्सो मेक इट अनॉइंग। जो फोर्सेज हैं चेंज करना है आपको, वो आपको अनॉय भी कर सकती है,
अगर आपने ठीक से चेंज नहीं किया तो छोटी सा चेंज भी आपके फेलियर को रिजल्ट करेगा, फेलियर आपका हो जाएगा। और अब आप फिक्स करेंगे कोई चीज़ तो हो सकता है कुछ नई चीज़ आ गई, या तो कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए या कुछ गलत हो जाए, जैसे कोई सिंगल रूट डेवलपर है वो आपके प्रोजेक्ट को डुबा सकता है। तो इन सभी चीज़ों में आप ध्यान दीजिए कि चेंज कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चेंज कंट्रोल आपके प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो इस तरीके से हमको कंट्रोल करना है चेंज को। चेंज कंट्रोल का प्रोसेस इस तरीके से होता है, पहले तो जो चेंज है क्या नीड है उस चेंज की रिकग्नाइज किया जाता है उसको, फिर चेंज रिक्वेस्ट यूजर से ली जाती है, फिर डेवलपर उसे वैल्यूएट करता है, फिर चेंज रिपोर्ट जनरेट होती है, फिर अथॉरिटी डिसाइड करती है चेंज कंट्रोल करना है, चेंज कंट्रोल की चेंज करना है कि नहीं करना है, और फिर उसके बाद जो रिक्वेस्ट अगर क्यूड है तो उस पर काम किया जाता है, जो आगे हम देखेंगे। और रिक्वेस्ट डिनाइड है तो यूजर को बता दिया जाता है कि साहब आपने जो चेंज रिक्वेस्ट मांगी है वो हम नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद असाइन करते हैं जो लोग SCI करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो आइटम्स है उसको उस पर चेंज करेंगे, रिव्यू ऑडिट करेंगे, फिर देखेंगे बेसलाइन बन जाए दोबारा टेस्टिंग के बाद। फिर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज में परफॉर्म करेंगे, फिर चेक करेंगे कि जो चेंज SCIs हैं प्रमोट करेंगे ताकि नेक्स्ट रिलीज में इसको डाल दिया जाए, फिर रिबिल्ड करेंगे अप्रोप्रिएट वर्जन को, रिव्यू ऑडिट करेंगे चेंज को, फिर इंक्लूड करेंगे सारे चेंजेस उस रिलीज में। फिर हमें सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में ऑडिट भी करना होता है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट क्या है? ये ऑडिट कॉम्प्लीमेंट करता है जो टेक्निकल रिव्यू हो रहे हैं ना उसके साथ, ताकि आप कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट जो भी आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी हम कंसिडर कर सकें रिव्यू के समय। तो ऑडिट कुछ सवाल जवाब करता है, यह सवाल जवाब कुछ इस तरीके से है, जो चेंजेस स्पेसिफाइड थे वो किए गए कि नहीं किए गए, कोई और एडिशनल चेंज तो नहीं किया गया है, क्या टेक्निकल रिव्यू कंडक्ट किए गए हैं इन टेक्निकल असेस करने के लिए कि टेक्निकल करेक्टनेस है कि नहीं, क्या सॉफ्टवेयर प्रोसेस पूरी तरह फॉलो हुआ है, क्या स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं, क्या चेंज को हाईलाइट किया गया है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम के लिए, क्या जो चेंज डेट है या ऑथर है वो स्पेसिफाई किया गया है, क्या एट्रीब्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के हैं वो भी चेंज हो गए हैं, क्या SCM प्रोसीजर्स जो चेंज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए वो प्रॉपर फॉलो हुए हैं, क्या जितने भी रिलेटेड SCIs हैं वो प्रॉपरली अपडेट हुए हैं। तो ऑडिटिंग का मतलब ये है कि SCM ऑडिट आप करेंगे, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं उनकी चेंज रिक्वेस्ट देखनी है आपको, और उसके SQL प्लान के तहत देखना है। तो स्टेटस अकाउंटिंग में आप रिपोर्टिंग करेंगे, यानी कि आप SCI की चेंज रिक्वेस्ट और चेंज रिपोर्ट को आप वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक जरूरी है। अब वेब इंजीनियरिंग में अगर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें कंटेंट है, लोग हैं। कंटेंट मतलब यह है कि जो वेब ऐप है उसमें तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, टेक्स्ट है, ग्राफिक है, अपडेट है, स्क्रिप्ट है, ऑडियो वीडियो फाइल्स है, फॉर्म्स है, एक्टिव पेज एलिमेंट्स है, टेबल्स है, स्ट्रीमिंग डाटा है, बहुत सारी चीज़। चैलेंज इसमें यह है कि ये जो अथाह सागर है इस कॉन्टेंट का, उसको हम किस तरीके से मैनेज करें, इन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें। अगर इंसानों की बात करें, पीपल की बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वेब ऐप का वो हमेशा एडॉक मैनर में होता है, तो कौन से लोग हैं जो इसको करेंगे, नहीं करेंगे, क्रिएट कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी देखनी होती है वेब इंजीनियरिंग में। क्योंकि जब ये साइज बढ़ेगा, कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी आपके वेब ऐप की, तो कोई छोटा चेंज भी बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है और प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर आपको रिग्रेस कंट्रोल मैकेनिज्म इसमें लगाने होंगे। पॉलिटिक्स भी आ सकती है, जैसे कौन इस वेब ऐप को ऑन करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी एक्यूरेसी को देखने की, कौन है जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इसमें अप्लाई कर रहा है, जो पब्लिश आप कर रहे हैं वेबसाइट को, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो चेंज कर रहा है, कौन इसका कॉस्ट बियर कर रहा है। तो कंटेंट मैनेजमेंट की बात करें वेब ऐप में या वेब ऐप इंजीनियरिंग में, तो कलेक्शन सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम में दो चीज़ें हैं। कलेक्शन सिस्टम में वो सारे एक्शन जो रिक्वायर्ड हैं ताकि आप क्रिएट कर सकें या एक्वायर कर सकें कॉन्टेंट को, और जो टेक्निकल फंक्शन है जो नेसेसरी है, चाहे आप कन्वर्ट करना चाहे कॉन्टेंट को किसी मार्कअप लैंग्वेज में, या ऑर्गेनाइज करना चाहे कॉन्टेंट को किसी पैकेट में ताकि आप क्लाइंट साइड दिखा सकें। और मैनेजमेंट सब सिस्टम की बात करें तो वो ये इंप्लीमेंट करेगा रिपोजिटरी, जिसमें चीज़ें होंगी कंटेंट डेटाबेस, डेटाबेस कैपेबिलिटी और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फंक्शंस। एक पब्लिशिंग सब सिस्टम भी होगा, जैसे जो एक्सट्रैक्ट करेगा जो रिपोजिटरी है, कन्वर्ट करेगा इसको जब हम पब्लिक उसको पब्लिकेशन कर सके, और फिर इसको ट्रांसमिट करेगा क्लाइंट सर्वर ब्राउजर के हिसाब से। जो पब्लिशिंग सब सिस्टम है ये भी एक तरीके से एक सीरीज है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कॉन्टेंट मैनेजमेंट की SCM के लिए। तो हर एक टेम्पलेट एक फंक्शन है, जो मैं यहाँ टेम्पलेट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक पब्लिकेशन जब भी हम क्या करते हैं वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं ना बार बार, तो हर एक बिल्ड के लिए जो पब्लिकेशन होगा उसमें तीन अलग अलग कंपोनेंट होंगे। स्टैटिक एलिमेंट होगा, पब्लिकेशन सर्विसेज होंगे और एक्सटर्नल सर्विसेज होंगे। ये तीनों आपको देखने पड़ेंगे। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में देखिए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहे वो डेटाबेस टेम्पलेट हो, जो टेम्पलेट की बात हो रही है, इस टेम्पलेट में चाहे डेटाबेस हो, HTML स्क्रिप्ट हो,
क्लाइंट साइड सर्वर हो, तो इस जगह में टेम्पलेट में क्या क्या चीज आ जाएगी इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, आपका स्टैटिक एलिमेंट, पब्लिकेशन सर्विस और साथ में एक्सटर्नल सर्विसेज। तो अब हम चेंज मैनेजमेंट देखते हैं लद्दाख में। तो अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट किस में, वेब ऐप में, तो कोड एंड गो फिलोसफी क्योंकि डोमिनेंट है वेब ऐप डेवलपमेंट में, तो कन्वेंशनल जो चेंज के तरीके हैं वो थोड़े से मॉडिफाई करना पड़ेंगे, यानी कि हर एक चेंज को हम कैटेगराइज करेंगे कैसे। अब यहाँ पर ये दिए हुए हैं 1 से लेकर 4 तक, इसकी पॉसिबिलिटी देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी देखिए, इसकी अलग अलग है, यानी कि ये थोड़े हल्के लेवल का है, ये थोड़ा ज़्यादा लेवल का है। अगर आप क्लास लेवल की बात करें या तो कुछ छोटे मोटे चेंज लोकल चेंजेस होंगे, क्लास टू की बात करें तो कोई फंक्शन चेंज करेंगे जो कॉन्टेंट ऑब्जेक्ट या फंक्शन कॉम्पोनेंट को अफेक्ट करेंगे। क्लास थ्री के वो चेंजेस हैं वेब एप्लीकेशन में जो कंटेंट और फंक्शन को चेंज करेंगे और इसका बड़ा इंपैक्ट होगा वेब ऐप में, चाहे वो आप एक्सटेंड कर रहे हैं फंक्शनैलिटी को, चाहे कोई सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट हो रहा है कंटेंट में, चाहे नेविगेशन को आप चेंज कर रहे हैं। अब क्लास फोर में आएंगे, ये तो डिजाइन चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, यहाँ पर आप पूरा इंटरफेस डिजाइन नेविगेशन अप्रोच को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली यूजर को एकदम से दिख जाएगा कि कुछ चेंज हुआ है। तो इन चेंजेस को तब्दील करना है या इन चेंजेस को मैनेज करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले क्लास वन चेंज है तो आप सीधा यहाँ चले जाइए, क्लास टू है तो पहले आप जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है असेस उनको अक्वायर करेंगे, देखेंगे क्या क्या चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद उस चेंज का अगर होना है तो ठीक है, नहीं होता तो आगे बढ़ेंगे। क्लास थ्री में आपको एक रिटन डिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर ट्रांसमिट करेंगे सारे रिव्यू मेंबर्स को कि देखिए साहब ये चेंज होना है, क्या करना है कि नहीं करना। और फाइनली जो सबसे गंभीर चेंज है, ये तो ईजी चेंज है, केवल थोड़ा बहुत टाइपोग्राफी का चेंज हो सकता है, क्लास फोर चेंज में आप इसका रिटन डिस्क्रिप्शन देंगे, सारे रिव्यूज को देंगे और इसके ऊपर बैठक होगी। तो हर चीज़ की जो एंड में चीज़ आती है, देखिए हम इन ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो चेंज हो रहे हैं, जो चेंजेस डिजाइन या कंस्ट्रक्ट या टेस्ट में हो रहे हैं, फिर चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कौन से चेंज हुए, फिर हम पब्लिश करेंगे वगैरह। तो 4 अलग अलग कैटेगरीज के चेंज है जो आपको देखना पड़ेगा। तो ये बात हुई हमारी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।